देवास शहर में जर्जर हो चुके मकानों को लेकर कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर नगर निगम द्वारा मकान गिराने कपरों में नोटिस देकर मकान गिराने का अभियान चलाया गया है। नगर निगम की टीम द्वारा दलबल के साथ में मंगलवार को नयापुरा में एक जर्जर भवन को गिराने की कार्रवाई की गई। बारिश से पूर्व नगर निगम की टीम जर्जर भवनों को गिराने के लिए फील्ड में उतर गई है। जर्जर भवनों को लेकर सभी वार्डो में करीब 17 से 20 लोगों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था, इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने बताया कि पहले टीम ने फील्ड में उतरकर जर्जर भवनों का सर्वे कर चिन्हित किया, इसके बाद मकान मालिकों को नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब ना देने पर सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। जर्जर मकानों को गिराने का अभियान सतत जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि मकान मालिक खुद मकानों को ध्वस्त कर ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, अगर निगम कार्रवाई करता है तो लेबर के साथ अन्य चार्ज संबंधित मकान मालिक से ही वसूल किया जाएगा। सागर के अंतर्गत याकूब करके कोई व्यक्ति है जिसका काफी समय से जर्जर मकान है। नगर निगम के द्वारा कई बार इसको नोटिस दिए गए कि आप ये मानव आवास के योग है, आवागमन का मार्ग है, मकान आपका जो स्थित है आवागमन के मार्ग में, ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति यहाँ से निकले और ये जर्जर हालत में है, किसी के ऊपर गिर जाए, जान माल का कोई खतरा हो। लेकिन इसको इस बात का नोटिस का कोई मतलब रिप्लाई ना तो रिप्लाई कर दिया था, इसलिए आज मजबूर होकर हमें पूरी टीम के साथ आकर इसके मकान को जमीन दोष करना पड़ा। इस तरीके 17 नोटिस दिए, इसके अंदर 1 से 45 वार्डों के अंदर करीब 17 से 20 ऐसे चिन्हित किए गए मकान हैं जो काफ़ी जर्जर अवस्था में हैं, उन्हें चिन्हित करके जमीन दोष किया जा रहा है। मेरा मकान मालिकों से भी अनुरोध है हाथ जोड़ करके, और यदि इसमें कोई किराएदार है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो स्वयं खाली कर दें, अपनी जान से ज़्यादा बढ़ के हमारा वहाँ रहना उचित नहीं है। कहीं किराए का मकान ले लें या मकान मालिक कहीं किराए का मकान लेके उसको जमीन दोष करके फिर से पुनः बना ले, हम अनुमति देने के लिए तत्पर हैं। देवास से अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।